नमस्कार दोस्तों, इस समय आप लोग सिटी मिरर्स न्यूज़ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक जैन मंदिर के सामने चिकन बिरयानी बेचने का मामला सामने आने के बाद जो है इसका लोगों ने विरोध किया, तो बिरयानी बेचने वालों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि यह मामला बागपत में बड़गांव का है। इसको लेकर खेगड़ा की पुलिस निरीक्षक नवेंद्र सिंह सिरोही ने जानकारी दी कि रविवार को बड़गांव के श्री परशुनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान परशुनाथ के निवार महोत्सव कार्यक्रम के दौरान रात में मंदिर के बाहर एक युवक ठेले पर जैन शिकंजी का बोर्ड लगाकर चिकन बिरयानी बेच रहा था। इसको लेकर श्रद्धालुओं ने विरोध भी किया, तो युवक उन लोगों से मारपीट करने लगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं की बस पर पत्थरबाजी भी की गई, बस की खिड़कियां तोड़ी गई। दरअसल विरोध करने के बाद दुकान चलाने वाले आरोपी युवक ने बड़गांव से बड़ी संख्या में अपने साथियों को बुला लिया और श्रद्धालुओं की बस पर पथराव किया। उपद्रव इतने पर भी शांत नहीं हुआ, इन लोगों ने बस में आग लगाने की भी कोशिश की। गनीमत यह रही कि मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची, तब जाके लोगों में जान में जान आई और लोग अपनी जान बचा सके। मामला बढ़ता देख स्थानीय इलाके में PSC लगा दी गई। हालांकि इस घटना से इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है और सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में जिन लोगों की शिकायत में नामजद किया गया है उनमें कई ऐसे लोग हैं जो वीडियो खंगाला जा रहा है, रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है और उन्हें धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बताएं कि स्वतंत्रता दिवस की रात का ये मामला है। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर कहा है कि मंदिर के पास मांसाहार बेचा जाना कतई सहन नहीं किया जा सकता, ये तो पूरी तरह से सीनाजोरी है। ऊपर से इसके विरोध करने पर लोग मारपीट पर भी उतारू हो गए हैं। वहीं पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मौके पर काफ़ी संख्या में पुलिस भी तैनात कर दी गई है और लोगों से कहा है कि वह शांति बनाए रखें। पुलिस जो है जल्द से जल्द जो है आरोपियों को पकड़ने का पूरे प्रयास कर रही है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, हमारा हौसला बढ़ाएं और हमारे पेज को शेयर करें और हमारे पेज पर आप ऐसे ही अपडेट लेते रहें न्यूज़ की, दिल्ली NCR से जुड़ी खबरों की। नमस्कार।